Es que a ti te pienso tanto, no creo que solo sea amor. Por ti doy vida y al mundo y la mitad de mi corazón. Baby, tú y yo queriéndonos, sintiéndonos. तो कमेंट आ रही थी कि क्या क्या आपने टर्की में से लिया, तो वो आएगा इस व्लॉग में। बहुत सारी चीजें ली, मेरा पूरा का पूरा कलर भी चेंज हो गया टर्की से वापस आने के बाद। तो ये लिया था एक हमारे लिए, और दूसरा लिया था मैग्नेट जो फ्रिज पे लगाते हैं वो मधुपुर के लिए। तो दो लिए हुए हैं और पर्स लिया हुआ है, और क्या लिया हुआ है जो जो किचन में है वो मैं दिखा देती हूँ, और उसके बाद ऊपर जाऊंगी तभी ऊपर के फ्लोर में जो चीज है वो दिखाऊंगी। ये है हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप, तो ये एक लिया है, ये दूसरा लिया है, और थोड़े बकलावा भी लिए थे आसपास देने के लिए, और ऐसी चीजें थोड़ी बहुत ली है। जो जो आगे आगे दिखाई देगा मुझे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे हो गए। यहाँ पे पीछे ना व्हाइट ट्री आ गए हैं। ओह, मैं लंच भूल गई। तो पीछे जो है वो व्हाइट कलर के फ्लावर आ गए हैं पूरे के पूरे ट्री में सारे। वहाँ पे चेरी है और पेयर के ट्री है सारे। शिव क्या बोल रहे थे तू? फोटो करो छे। अभी बच्चों को छोड़ के आते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं दिन के लिए। अभी तो सनशाइन है, बाद में कल जैसा ही है बारिश वाला मौसम। Are you guys ready? Yes. 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 Seat belt? Yes. Come on. Fly. अभी गाड़ी में बैठी हूँ, बच्चों को लेने आई हूँ, और पूरी गाड़ी हिल रही है, इतना ज्यादा विंडी वेदर है। पता नहीं कब अच्छा सा जो धूप मिलता है ना समर में, वैसा कब आएगा पता नहीं। कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, अभी ये क्या बोलते हैं अप्रैल आधा खत्म होने को है, अब तक सनी नहीं दिख रहा है वेदर। आई मीन सन आ रहा है पर उतना गर्म नहीं कि जैकेट के बगैर हम लोग बाहर निकल पाए। आई डोंट नो। तो आ गए हैं ये दोनों स्पोर्ट्स क्लब से वापस, और यहाँ पे शिव को ना हेडेक हो रहा था, तो मैं उसको हेड ऐसे दबा रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था। तो ये भाई सब आ गए हेल्प करने के लिए, मेरी बड़े भाई की सेवा की जा रही है। हैं आदि, व्हाट यू डूइंग? ओह, हेल्पिंग शिव टू गेट बेटर सून। सर को दबा। हाँ, सर को दबा भाई। यहाँ पे गिरीश पूछ रहे हैं शिव को कि कैसा रहा उसका जो स्पोर्ट्स डे है ना, वो चल रहा है ना स्पोर्ट्स क्लब, वो कैसा रहा? बहुत क्या इंडोर फुटबॉल रेन हो त्यारे इंडोर करावे, अने पछी બીજો તને શું ટિપ્સ આપે ફૂટબોલ માં શું કઈ રીતે કરવાનું બધું? હા, મેન ફ્રી ટાઈમ હોય ઓલો રમવા માટે, मेन तो उसको वो जो फुटबॉल की किट पहन के जाना होता है ना, वो उसमें बहुत मजा आता है ना। ग्लव्स तो मोर इंपोर्टेंट है, बिकॉज़ शी ने और बॉल आया तो जब मार तो पछी टीममेट ने पास कर पछी शूट कर ने स्कोर। थैंक यू। रियली? आ गुड, सो यू एंजॉय राइट? तन करू छ फुटबॉल क्लब कंटिन्यू? हां, तो फुटबॉल का कुछ ढूंढना पड़ेगा यहां पे लेस्टर में। तो यहां छ ना रेजिस्टर सेंटर, वहां पर वो कुछ ढूंढेंगे। बनिस मेसी, बनिस के एम्बापे नहीं एम्बापे, रोनाल्डो बनिस, डेविड बेकम सारो नहीं, इतनो सारो नथी। ओके, तो अत्यार कौन से सारा सारा खिलाड़ी? फोर्डन। ओके, कई टीम थी, क्या क्लब थी प्ले करे छे? मैनचेस्टर सिटी। ओ,
You got medal. Yes. Congratulations, Adi. I choose my now I'm smart. Now you're smart? Oh my god. You already smart, Baba. I'm super smart. Super smart? Where is Shivo? Here, Mama. Okay, where is it? Oh, you got a certificate. Yes. Yay, what you got, Shivo? Medal. Congratulations. Adi got medal, Shivo got medal. Oh, the owl. The owl here. Happy balls. Yay. Dono ko mil gaya aaj to, medal or certificate. Congratulations, balls. Thank you. Let's go home. Congratulations, Adi. Happy at Abiyo? Huh. Good. We are both kids. You both kids, I know. Last time red to medal, this time green. Green, right? Yeah. Yeah, because green means you're a good boy. Green means good boy. Yeah, and bad and red means you're a cool boy. So, aaj banayi hai gwar ki sabji aur paratha. Girish ki favorite hai gwar ki sabji aur banayi hai lasan ki chutney. अभी तड़का लगाना बाकी है, बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद वो काम करूंगी। और आज का वेदर पूरा का पूरा दिन बारिश हुई है, थोड़ा भी सुधार नहीं है। मुझे पता है सूरत में, गुजरात में बहुत ज्यादा गर्मी है। आई विश के 10 टेम्परेचर वहां से यहाँ लेके आऊ, क्योंकि अभी 8 टेम्परेचर है बाहर का। तो अभी बन रहा है गर्मा गर्म चेवड़ो। आज चेवड़ो बनाने का मन हो गया, और वैसे भी मुरमुरे और सब कुछ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। फाल्कन से लेके आती हूँ, पर बनाने का मुहूर्त तभी आता है जब भी आना होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पहले तड़का लगा देती हूँ मुरमुरे का, और उसके बाद सारी चीजें फ्राई कर करके इसके अंदर डाल के मिला के सारे मसाला वगैरह बना दे। और आज मेरी ननंद का फोन आया था, वो लोग भी जा रहे हैं हॉलीडे पे कश्मीर पे। तो सब लोगों का अभी हॉलीडे का ही मूड चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अच्छा है, घूमना भी चाहिए, अच्छा है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि वो भी जा रही है और हम भी जाके आए। अभी ना घर पे आने के बाद इतना सुकून मिला, लाइक वहां पे गए थे वो भी बहुत ज्यादा मजा आया। थोड़े दिन कम पड़े ऐसा मुझे लग रहा था, अपेक्षा का फोन आया कि मुझे भी ऐसा लग रहा था, 2-3 दिन अगर ज्यादा होते ना तो ज्यादा मजा आता। तो ऐसा ही होता है, हॉलीडे पे जाते हैं ना तभी कम ही पड़ते हैं दिन, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हॉलीडे पे जाएंगे। तो ये चल रहा है अभी तो, उसके बाद आज जाना है तथा के घर पे थोड़ी देर के लिए। कब से जाना था पर मेल नहीं आ रहा था, तो आज तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बारिश वाला वेदर है तो कहीं पे बाहर निकलने का मन नहीं होता। बच्चों को लेने जाने का, वापस आने का उतना तो बहुत हो जाता है पूरे दिन में, और मैं पूरी की पूरी टैन हो गई हूँ, कलर चेंज हो गया हॉलीडे में से वापस आने के बाद का। तो आई होप कि धीमे धीमे वापस मैं आ जाऊं। और आप लोग बताइए कहीं पे हॉलीडे पे जाने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक बच्चों की एग्जाम इंडिया में भी खत्म हो गई है अभी, क्योंकि मेरे ननंद के बच्चों की खत्म हो गई है, तो उसी से पता चलता है कि इंडिया में भी अभी हॉलीडे का माहौल आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो सब लोग जाएंगे हॉलीडे पे, कहाँ पे जाने वाले हैं प्लीज कमेंट में बताइए, तो हम सुन सुन के हैप्पी होंगे। क्योंकि इंडिया में तो अभी हॉलीडे पे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि लास्ट ईयर ही आए थे, तो हर बार इंडिया नहीं, लाइक एक साल में कहीं और भी जाने की इच्छा हो ही जाती है, तो इसीलिए इस साल हम लोगों ने सोचा कि इंडिया नहीं आना। अदि तू मम्मा ने हेल्प करीस चेवड़ो बनावा माटे? सु करीस? आई डोंट नो। यू सेड यू गोना गिव मी ऑल इंग्रेडिएंट्स, डिड यू? व्हाट यू से? Which ingredients are you going to give me? Tell me. Chala yahan thi aapko hum jo yahan buddha ingredients ready chhe jo. Look here. All ingredients ready. You see? All the pasta. It's not pasta, it's potato farfar. You want that one in your chevdo? No. Yeah, that's 99p. Yeah, that's 99p. Okay? तो आप इसने तो ये बन गया हमारा चिवड़ा। अभी कथा के वहां जाते हैं और उसके बाद भी
ये મોસમ કાજા મે મિત્રો કેટલા દિવસ પછી મળ્યા ને હા એ મારો 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 કલર જો આખી હોલિડે નો કલર કરીને આવી આખો આમ જો પ્રોપર ટેન થઈને આવી હે ને ગોરી ગોરી गोरी गोरी लगे वैसे भी तो गोरी है पर मैं इतनी काली तो नहीं थी जितनी अभी दिखाई दे रही हूँ बहुत ज्यादा काली है कलर तो आने पानी में पानी नहीं बनाई देती हाँ नहीं एक देके गई थी अभी एक लेके भी जा रही हूँ और ये बारिश है ना हाँ वाट की पार्टी अंदर झुकवा देना अंदर हाँ तो यहाँ पे ऐसी बारिश हो रही है ना तो कथा को रेनकोट पहन के बाहर घूमने का मन हो रहा है जैसे इंडिया में जा देती है क्या दिवसों था न वो दिन भी क्या दिन थे बस तो बेन हैप्पी फैमिली नहीं पेरी सुनाओ उसका वो बता रहता है अलारा किसको पता है कमेंट में बताइए इसका अलारा बजता है हां आपने किया अच्छा लगा बोला हां प्राइम वीडियो पे हैप्पी फैमिली देखना ओ माय गॉड देखा ही होगा बहुत सारे लोगों ने हां देखा ही होगा हां अगर देखा है तो पता है तो देख देख लो हां बहुत अच्छा है बहुत हंस हंस के पेट दुख जाए मेरा दूसरी बार में स्टार्ट हो गया वो आ गए हैं और ये दोनों देखो मेडल मेडल आई डिड फर्स्ट मेडल इन द वर्ल्ड वाओ फुटबॉल क्लब वाओ आदि कांग्रेचुलेशन सीओ कांग्रेचुलेशन थैंक यू ओ मम्मा मेरा हां गोल्ड मेडल क्या रे लावानू दासू छे ये सिल्वर छे गोल्ड छे ओके तमे गिफ्ट आपो ओ वाओ ના એ લોકો એ લાવવાનું ને લાવવાનું લાવવાનું લાવશે મોટા થશે એટલે વોટ યુ આર ડુઇંગ આદિ પ્રેઇંગ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય કરો ઉસને મેડલ ભી વહાં પે રખ દિયા હે ઓર યે હમારે સારે કે સારે પ્લાન્ટ યહાં પે અચ્છે સે હો રહે હે ગ્રો છોટે છોટે હે ના આદિ વિચ વન ઇઝ યોર્સ યસ ધીસ વન ઓ ઇટ્સ ઓલરેડી ગોન बिकॉज हम लोग टर्की में गए थे तभी पानी एक बार पिलाया होगा पर oh उसके बाद इट्स ओके बिकॉज सो मेनी हियर लुक ऐसा हो रहा है और यहाँ पे कुकुम्बर अच्छी सी हो रही है यहाँ पे चेरी टमाटर और नॉर्मल टमाटर है वो है सनफ्लावर है ऐसा सब कुछ है थोड़ा थोड़ा है ना आदि यस यस यू लुक आफ्टर योर प्लांट्स वेरी वेल हाउ 100 ये हमारा फ्लावर का पॉट है वो अभी धीमे धीमे जाएगा मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अभी सनलाइट इतनी ज्यादा आ नहीं रहे है बाहर बारिश वाला मौसम है तो इसीलिए सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे कपड़े वपड़े सब कुछ ठीक करना है डाइनिंग रूम वगैरह तो वो अभी सुबह सुबह कर देती हूँ और उसके बाद नाश्ता पानी सब कुछ होगा आज है सैटरडे का दिन वीर को थोड़ा बहुत काम था तो बाहर गए हैं वापस आएंगे फिर मिलवाती हूँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं टीवी टाइम ये है आज का और कल ला गए हैं हमारे घर पे नए नए फ्लावर यहाँ पे और ये जो फ्लावर्स थे वो चले गए हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार आते हैं अभी बस इतने ही रहते हैं एक वीक तक ही और उसके बाद चले जाते हैं अभी नेक्स्ट ईयर आएंगे तो ये ईयर टू ईयर आने वाले हैं तो अभी इसको हम अच्छे से संभाल के रख देंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे इट्स नॉट बैड वर्ड लाल मीन्स Red. Red. Are you saying? It's a spider kitten. Yeah, leave it. यहाँ पे करने लग गई हूँ लोन मूवर अभी स्टार्ट होता है कि नहीं पता है नहीं क्योंकि बहुत टाइम से पड़ा था और क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक नहीं है पेट्रोल वाला है गैस इसमें होता है तो इसीलिए बहुत टाइम लगता है अभी देखते हैं होता है तो करूँगी वरना गिरीश के आने की वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी ऑन द वे है गिरीश लेट्स स्टार्ट તો હવે મમ્મા શું કરશો તું ચાલુ કરશો ને ગિરીશ ઘરે આવીને મજા આવે ને એમ થાય ને ફાઇનલી ધરતીનો છેડો ઘર સહી બાત ગમે ત્યાં હોઈએ ઘરે આવીએ એટલે શાંતિ હોય છોકરાવે કેટલી વેઇટ કરતા હતા ખબર તમારી જમજો યે કબ સે લગે હુએ હી હૈ મેં ઓર બચ્ચે પર અભી હો નહીં રહા હમસે ગિરીશ કમ ઓન આદિ પુલ અભી દેખતે અભી ડેડી સે એક હી બાર મે હો જાયેગા અબે લોક થાય ઓ યુ સી
तो अभी चल रही है शाम की कुकिंग। तो यहाँ पे मूंग की दाल राइस बनाए हुए हैं डैडी, शावर लेवा गया और लेके आए हैं गिरीश सारा सामान, क्योंकि फाल्कन में मैं नहीं जा पाती, आज बच्चे घर पे है तो सोचा कि वहाँ पे जा रहे हैं गिरीश तो लेके आएंगे, तो सब कुछ लेके आए है फ्राई सेवड़ा और सब कुछ, क्योंकि कल है ग्यारह, और मेथी सब कुछ लेके आए। अभी मेथी तो मैं बाहर ही उगाऊंगी, बहुत ज्यादा उगती है मेथी यहाँ पे, तो ऑलरेडी स्पिनिच ना थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक जो गार्लिक बोया था ना वो नहीं आया है, पर अभी हम लोग मेथी बोएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगी। और ये देखो यहाँ पे गैरेज में से, व्हाट इज दिस स्टिकी थिंग, यहाँ पे धूप सिकने के लिए बैठ गए हैं सबके सब, बहुत ही अच्छी धूप है, 14-15 है ना टेम्परेचर, 15 बस ऐसा रहे फिर भी अच्छा है, विंड ना हो इसे कोल्ड, हाँ भगवान करे ऐसा वेदर सालों साल चले। वहाँ पे पत्थर कलेक्ट कर रहे शिव, और वहाँ पे ना मेरे सारे के सारे जो प्लांट्स है वो रख दिए हैं मैंने। ओह लेडी बर्ड, शिवांशी स्ट्रॉन्ग बॉय। ये नाम सोच है स्टीव अदी। ओह लेडी बर्ड का नाम भी इंग्लिश रखा स्टीव, क्या अच्छे बीजू, केयरफुल आदि। Doesn't it feel cool? Oh no! Where's Steve? Steve gone. Swiggy. Chalo andar ave. Shiva! I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. Full da pade ho. Girish ko ye cherry blossom mein snow girana hai. बेचारा बर्ड्स जता रहे, यहाँ पे गिरी हुई तो है पत्तियाँ, पता नहीं क्यों अभी नहीं गिरा, वरना गिरता है ऐसे ही पवन का झोंका आता है तो गिरता है। कितना सुंदर दिखता है पूरा का पूरा ये व्हाइट कलर का पेड़, ऐसा ना पिंक कलर का भी आता है ना गिरीश, वो मुझे बहुत पसंद है ना, जब भी नई नई में आई थी ना लंदन में तो मैं गिरीश को बोलती ये पिंक कलर के पेड़ के नीचे मेरे को एक फोटो खींचना है, अब तक नहीं खींचा मैंने, अभी वही चल रहा है कि कब खींचे, कब खींचेगी पता नहीं। हमारे घर के छत पर दो होले बैठे हुए हैं, होले पिजन कबूतर। तो अभी वीडियो का एंड कर देती हूँ यहीं पे, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।